अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किचन 92। मैं हूँ मेरुकैया और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत डिलीशियस और लाजवाब ढाबा स्टाइल में छोले मसाला रेसिपी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम काबुली चना और हमने इसको बॉयल कर लिया है। ये देखिए, नमक डाल के हमने इसको बॉयल कर लिया था। 6 मीडियम साइज़ के आलू को बॉयल कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक काट लिया। यहाँ पर हमने ऑयल गरम कर लिया है, सरसों का तेल हमने गरम कर लिया। उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है, 3 बड़ी इलायची, 3 दालचीनी, 3 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून सरसों, और उसे डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा चला लूँगी। ये देखिए, उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए, बारीक कटी हुई प्याज, सारी प्याज डाल देंगे और इसको पिंक होने तक हम भून लेंगे। और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आप लोगों को अगर आप इसको पूरी के साथ और ज़ीरा राइस के साथ खाएंगे तो। ये देखिए, प्याज जो है पिंक होने लगी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। इसको डालने के बाद भी हम इसको भून लेंगे, अदरक लहसुन का कच्चापन नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। ये देखिए, और इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए, छोले से रिलेटेड और भी रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत मज़ा आएगा, बहुत इजी रेसिपी है और आपको खाने में भी मज़ा आएगा, पकाने में भी मज़ा आएगा, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। ये देखिए, टमाटर बिल्कुल मैश हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से घुल गया है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 6 से 7 हरी मिर्चें हमने बीच काट ली है। और फिर इन मसालों को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखिए, मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, ऊपर आ गया है ऑयल, और खुशबू भी बहुत लाजवाब आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 कटोरी, छोटी कटोरी हमारी है ये, उसमें हमने इमली का पेस्ट बना लिया था, इमली के बीज को निकाल दिया और उसका पेस्ट बना लिया है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे, छोले में हल्की सी खटास आती है जो बहुत ही डिलीशियस लगती है। ये देखिए, उसका कलर भी चेंज हो गया है मसाले का, उसका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल तोड़ लाजवाब। ये देखिए, अच्छी तरह से हम भून लेंगे इमली डालने के बाद। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से 3 पिंच जो है हींग की डाल देंगे, और 1 टीस्पून जितना कसूरी मेथी को भी हम क्रश करके इसमें डाल देंगे। और अभी से इसकी खुशबू बहुत लाजवाब है, बहुत ही डिलीशियस। एंड तक मेरी वीडियो को देखा करिए आप लोग, क्योंकि मैं लास्ट में जो भी बीच में मसाले डालती हूँ, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि इसमें हमने क्या क्या मसाले ऐड करे हैं। तो ये देखिए, जो ये बॉयल किए हुए काबुली चने थे वो मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिक्स करने के बाद मैं इसमें वो पानी डाल दूँगी जिसमें मैंने छोले को बॉईल करा था, काबुली चने को बॉईल किया था, वो पानी मैंने फेंका नहीं था। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था जिससे छोले के अंदर जो है थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाए नमक से, तो वो पानी हम ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए, अब इसी के पानी में मैं छोले को और ज़्यादा सॉफ्ट कर लूँगी। अब मैं इसे ढक के पका लूँगी 10 मिनट के लिए।
धीमी आंच पे। ये देखिए 10 मिनट हो गया है और छोले जो बाकी रह गया था बॉईल करने में पकने में वो भी हो गया है, बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। हमें छोले को इतना नहीं गलाना है कि छोले जो है बिल्कुल ही मैश हो जाए। ये देखिए अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी, जो मैंने बॉईल किया हुआ आलू था वो थोड़ा सा चूर करके डाल दूंगी, पीसीज में नहीं डालूंगी क्योंकि ढाबे में जो होता है वो आलू जो बॉईल करके डालते हैं वो लोग, वो पीसीज में नहीं होता है तो इस वजह से वो हाथों से ही क्रश करके उस आलू को डालते हैं। और सारा आलू डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। ये देखो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे पूरी के साथ, ज़ीरा राइस के साथ ज़रूर खाइए, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है इसके अंदर, और क्योंकि हम इसको ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे सब्ज़ी को। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको भी ढक के पका लेंगे 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे। ये देखिए 10 मिनट हो गया है, सब्ज़ी बनके रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त छोले मसाला बनके रेडी है। आप इसे बस ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह की हमें चाहिए थी सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं जो कटा हुआ हरा धनिया है वो भी स्प्रिंकल कर दूंगी। ये देखिए, और मिक्स करने के बाद मैं इसे कर लूँगी डिश आउट। ये देखिए छोले मसाला बनके रेडी है, ढाबा स्टाइल में ये रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें और जो लाइक का बटन है वो ज़रूर वीडियो को दे दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली रेसिपी मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।